नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन के बारे में। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन समस्या है, लेकिन इसका जो समाधान है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि ये आपके शरीर की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो जिसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, कब इसको आप सीवियर और मॉडरेट कंडीशन में कंसीडर करें, कैसे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, और ऐसा क्या बेस्ट सोल्यूशन है कि विदाउट मेडिसिन हम अपने हाई ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं, और अगर आप दवाओं पे भी हैं हाई बीपी की, तो उनको धीरे धीरे करके कैसे बंद कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हम किसको कहते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपका ब्लड है उसका जो फोर्स है, हमारी आर्टरीज जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है उनकी दीवालों पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आप में जो आपका हार्ट है उसको ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, ज़्यादा यू नो फंक्शन करना पड़ता है इन सिचुएशन को स्टेबलाइज करने में। अगर मैं इसके नॉर्मल सिचुएशन की बात करूँ, नॉर्मल रेंज के बारे में बात करूँ, तो 120 जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120 प्लस माइनस 10, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है या जिसे हम फिलिंग प्रेशर बोलते हैं, एक 80 प्लस माइनस 10 की कैटेगरी में रखा है, कि मतलब अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 बटे 80 प्लस माइनस 10 की अगर सिचुएशन में चल रहा है, तो आप इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलेंगे। यही परिस्थिति अगर आपकी 140 बटा 90 से ज़्यादा हो जाए, 140/90 अगर आपका ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, तो आप इसको हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में रखेंगे। दोस्तों अगर मैं इनके मुख्य कारणों के बारे में बात करूं, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन देखे जाते हैं कॉजेज़, वो हैं आपका लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा सॉल्टी डाइट का लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में बहुत लंबे समय तक काम करना या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहना, नींद का प्रॉपर ना होना, एज एक बहुत ही मेजर जो अमूमन देखा जाता है कि एज रिलेटेड है कि बीपी बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर होता है कि आपके अगर फैमिली में ये हिस्ट्री है, तो आपको भी बहुत ऐसा देखा गया कि बहुत अर्ली एज में ही ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट करने लग जाता है, ओवरवेट या ओबेसिटी का होना, या फिर किसी ऐसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का सफ़र होना। और दोस्तों आजकल एक नया जो कॉज है वो भी जुड़ गया है, वो है एयर पोल्यूशन। आजकल बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन वाले सिटीज़ में या एरिया में रहते हैं, तो उन लोगों में भी देखा गया कि बीपी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनके लक्षणों की, कि लक्षण कैसे मिलते हैं। दोस्तों सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि इनिशियल स्टेज पे हाई ब्लड प्रेशर सिम्टम्स ही नहीं देता है, और जब वो बहुत ज़्यादा एक्सीड करने लग जाता है देन हमें लक्षण आने शुरू होते हैं। लेकिन अगर आपको हल्के फुल्के लक्षण इनमें से देखने को मिलने लगे, तो आप सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। दोस्तों जो लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने बोला ये बहुत साइलेंट कंडीशन रहती है, लेकिन अगर इनमें से कुछ भी लक्षण आपको आए दिन देखने को मिले, तो आप इमीडिएटली अपना बीपी जरूर चेक कराएं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो है सर में दर्द। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑफन सर में दर्द देखने को मिलता है, इसके अलावा आपको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में पेन या इररेगुलर हार्ट बीट देखने को मिलती है, आपको कभी कभी विजन में दिक्कत लगने लगती है, सडन विजन लॉस लगने लगता है या विजन बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, आपको जो नोज से आए दिन ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, या आपको यूरिन में ब्लड देखने को मिला है, चेस्ट में पेन जैसी शिकायत आपको बार बार देखने को मिल रही है, तो फर्स्ट आपको इमीडिएटली अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराना है। अगर आप स्पेशली 25 से लेकर 50 के एज ग्रुप में है, तो आप जरूर आप एक बार अपना जाके ब्लड प्रेशर चेक कराना है। आफ्टर 50 तो बाय डिफॉल्ट आपको हर 6 मंथ पे इन सारी चीज़ों का होल बॉडी चेकअप कराना ही होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में, कि दोस्तों जैसा कि आपने जाना कि हाई ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और तो हम इसको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक रख सकते हैं। अब लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन हमें क्या करना है, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, आप वॉक, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें शुरू करें, और अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा बैलेंस करें, क्योंकि आपने देखा मैंने जो कॉज में बताया था कि हाई सॉल्ट जो अगर आप लेते हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखते हैं, तो आप काफ़ी हद तक अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ दोस्तों आज मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक बहुत ही अच्छा और हर्बल सॉल्यूशन, जो आपको विदाउट साइड इफेक्ट 15 दिन के अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर है इसको बहुत हद तक कंट्रोल में कर देगा,
अगर आपने कोई दवा नहीं शुरू की है तो आपको दवा लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ने पाएगी, और अगर आप किसी एलोपैथिक मेडिकेशंस पे हैं या अन्य किसी भी मेडिकेशंस पर हैं तो धीरे धीरे करके आप अपनी दवाओं को बंद भी कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों मैं आज आपको रिकमेंड करूँगी एनवेदा का बी कैप्सूल बीपी कंट्रोल। ये एक बहुत ही अच्छा ऐसे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है दोस्तों जो हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे से मैनेज करने में कैपेबल है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि मैं इसको क्यों रिकमेंड कर रही हूँ। दोस्तों इसके अंदर ऐसे 7 हर्ब्स का यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया गया है जो आपके बीपी की हर तरह के कारणों को ठीक करके बीपी को रेगुलेट करने में, बीपी को मेंटेन करने में लाभप्रद है। दोस्तों इसके अंदर सर्पगंधा पड़ा हुआ है। सर्पगंधा हमारे जो कैटेकोलामाइन एंजाइम्स हैं उनको लोअर करके हमारे बीपी को रेगुलेट करता है। इसके बाद जो पुनर्नवा है दोस्तों, पुनर्नवा के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी आर्थरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे बीपी को कंट्रोल करने में, बीपी को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है। इसके अलावा इसके अंदर गोक्षुरा एंड भूम्य अमलकी पड़ा है। ये दो ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो डाययूरेटिक की तरह काम करते हैं, जो बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड है उसको शरीर से बाहर निकाल के बीपी को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा आप जानते हैं बहुत ही अच्छा वर्क करता है हमारे मेंटल इश्यूज के ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं और उस स्ट्रेस के वजह से आपका बीपी फ्लक्चुएट करने लगता है तो अश्वगंधा आपके माइंड को रिलैक्स करने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद है और आपकी बीपी को कंट्रोल करने में एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है जटामांसी। जटामांसी एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है दोस्तों हमारे स्लीप डिस्टर्बेंसेस के लिए। अगर आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन के वजह से आपको नींद नहीं आती और जिससे आपका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो जो जटामांसी है आपके माइंड को रिलैक्स करके आपके बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भूमिका निभाती है। नेक्स्ट अर्जुना। अर्जुना एक बहुत ही अच्छी मेडिसिनल हर्ब्स मानी जाती है हमारे हार्ट के मसल्स के लिए। ये हमारे मसल्स को टोन करती है, एक प्रॉपर रिदम प्रोवाइड करने में, मसल्स को स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करने में एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है और आपके बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। तो ये 7 ऐसे इंपॉर्टेंट हर्ब्स कॉम्बिनेशन है दोस्तों जो आपके बीपी के परेशानी को विदाउट मेडिसिन, एक जस्ट अ सप्लीमेंट आप इसको लेना शुरू करें। स्पेशली उन लोग को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी जिनका बीपी अभी रिसेंटली फ्लैक्चुएट होना शुरू हुआ है। प्लीज़ डोंट गो फॉर मेडिसिन, आप इसको लेना शुरू करें। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके बीपी को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं कि इसको आप ले कैसे सकते हैं। दोस्तों इसको आपको लेना है 1 टैबलेट सुबह में आफ्टर ब्रेकफास्ट और 1 आपको इवनिंग में लेना है। आपको दिन में 2 बार इसका प्रयोग करना है। और जो लोग ऑलरेडी बीपी की मेडिसिन पे हैं मैं उन लोग को रिकमेंड करूंगी प्लीज़ आप फर्स्ट अपनी दवाओं को बिल्कुल बंद नहीं करें, इसके साथ आप अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका बीपी कंट्रोल में आने लग जाए और लोअर साइड आना शुरू हो जाए, आपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करके उनके रेफरेंस पे अपने बीपी की दवा को कम करते करते आप फिर उसको बंद कर सकते हैं। बट इसको शुरू करके ऐसा ना करें कि आपने एकदम से बीपी की दवा बंद कर दी, वो आपके लिए फ्लक्चुएशन कॉज कर सकता है जो कि एक प्रॉब्लम कॉज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आप इसको परचेज़ कहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों आप इसको एनवेदा की वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है आप उसको उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रही है, आप एक बार ज़रूर चेक करें। इसका जो अभी प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है वो 340 रुपीज़ है। और अगर आप इसको एनवेदा की वेबसाइट से जाके परचेज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और साथ में फ्री शिपिंग भी मिलेगी, जिसमें एक बॉटल में आपको लगभग 60 कैप्सूल मिलते हैं। तो एक महीने की दवा आपकी बहुत अच्छे से ये चल जाने वाली है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पेशली जो लोग अभी रिसेंटली डायग्नोज हुए हैं बीपी से, प्लीज़ इसको आप ज़रूर ट्राई करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आशा करती हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।